हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस एपिसोड्स में हमारा चैप्टर 2 यानी पेरिजा द बिगनिंग कंप्लीट हो चुका है। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3 द नूलर एक्लिप्स। आप जानते हैं नूरा यानी पेरिजात की असल ताकत चांद है। सो चैप्टर 3 द नूलर एक्लिप्स पेरिजात की ताकतों पर ग्रहण है जो उसे कमजोर बना देगा। स्टार्ट करते हैं। अरीना नूरा की कमजोरी जानती है, इसलिए उसने बॉडी स्पिरिचुअल ट्रांसफर से नूरा की कमजोरी का फायदा उठाया। पर नूरा और जैन के वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, और नूरा खुद अपनी कमजोरी नहीं जानती थी। अरीना, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या इरादा है तुम्हारा? अरीना मुस्कुराई। इरादा तो बहुत बड़ा है, पर तुम इतने आराम से क्यों बैठी हो? ईशान ने कहा। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और तुम जानती हो कि हमारी दुनिया में कमजोरी पर वार करते हैं, दोनों ने कहा तो अरीना फिर मुस्कुराई। दूसरी तरफ नूरा को कमजोरी महसूस होने लगती है, कभी उसे बहुत गर्मी लगती और कभी बहुत सर्दी। आए दिन नूरा का बिहेवियर भी चेंज होने लगा था, वो जैन से भी ढंग से बात नहीं करती थी। जैन सो रहा होता है जब उसे बहुत बुरा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि नूरा किसी मुसीबत में है। तभी वो किचन में आता है, किचन में आकर देखा और हैरान रह गया। नूरा फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाले न जाने क्या ढूंढ रही थी। जैन उसके पास आकर बैठ गया। नूरा, क्या हुआ है, कुछ चाहिए तुम्हें? उसने उसके पास आकर कहा। नूरा ने उसकी तरफ देखा। क्या आप लाकर देंगे मुझे? वह बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रही थी। जैन मुस्कुराया। तुम जो कहोगी वो लाकर दूंगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नूरा उसे गौर से देखने लगी और समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। रहने दीजिए, उसने बड़े बदतमीजी से जवाब दिया। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम जो चाहोगे वही लाकर दूंगा। नूरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी। आई एम सॉरी जैन, मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। कभी लगता है मैं ठंड से मर जाऊंगी, और कभी लगता है मैं जलती हुई आग पर बैठी हूँ। अभी भी मुझे भूख लग रही है, पर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जैन को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी उसने एक गिलास में जूस निकाला और लाकर नूरा को दिया। नूरा ने उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा और एक झटके से गिलास जमीन पर गिरा दिया। क्या मजाक है ये, क्या मैं दूध पीती बच्ची लगती हूँ कि एक जूस के गिलास से बह जाऊंगी? मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वो फिर नॉर्मल हो जाती है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर रोने लगती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बात की। मुझे लगता है मुझे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। तभी वहाँ साहिल आता है जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है। साहिल के हाथ में खून देख नूरा को अजीब से प्यास का एहसास होता है। तभी वो साहिल के हाथ को अपने नाक के पास लाकर एक गहरी सांस भरती है और जैन से कहती है कि मुझे यही चाहिए। जैन दंग रह जाता है, और दूसरी तरफ साहिल इतना घबरा जाता है कि नूरा के सामने से हट जाता है और वहां से चला जाता है। जैन वहीं रह जाता है जबकि नूरा कमरे में चली जाती है। जैन कमरे में आकर देखता है कि नूरा अब नॉर्मल कंडीशन में पड़ी हुई है। वो उसे कहीं से भी नूरा नहीं लग रही थी, वो उसे कोई मेंटली अब नॉर्मल पेशेंट लग रही थी। जैन घबरा जाता है और सोचता है कि नूरा के साथ ये ना जाने क्या हो रहा है। आए दिन नूरा बदलने लगती है, उसके आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं और बाल उसके छोटे हो जाते हैं। जैन दरवेश बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। दरवेश बाबा ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर जैन दंग रह जाता है, और उसके लिए इस सच्चाई को मानना नामुमकिन होता है। अब वो नूरा के लिए और भी फिक्रमंद हो जाता है।
दूसरी तरफ नूरा बच्चों की तरह जिद करने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा रोती और कभी खून पीने की जिद करने लगती और जैन का संभालना मुश्किल हो जाता। और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। वेल गाइज, न्यू चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।